हेलो दोस्तों गुड इवनिंग कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज सभी का आर एम एल का एग्ज़ाम हो चुका है कुछ बच्चों का बाकी है वो भी हो जाएगा अभी हम टारगेट करते हैं एस जी पी के लिए जो नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी है उसको टारगेट करके क्लासेस स्टार्ट करेंगे और जो बच्चे बच गए हैं आर एम एल के एग्ज़ाम के लिए उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा वीडियो तो आज से अभी मॉडल पेपर में जो कुछ प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर थे उनको टारगेट करेंगे उसके बाद जो एक्सपेक्टेड जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी लेके चलेंगे तो सबसे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट अपना क्वेश्चन विच डिजीज इज़ नॉट कॉज बाई नीडल स्टिक इंजरी नीडल स्टिक चोट से कौन सा रोग नहीं होता है तो ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस सी ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस बी ऑप्शन सी हेपेटाइटिस ई ऑप्शन डी एच आई वी तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना हेपेटाइटिस ई e. हेपेटाइटिस ई नीडल स्टिक के कारण नहीं होता है बाकी हेपेटाइटिस सी का हेपेटाइटिस सी दूषित ब्लड के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को चढ़ाने से होता है जबकि हेपेटाइटिस बी दूषित ब्लड सीमन और अन्य जो बॉडी फ्लड्स होते हैं जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसफर करने से होता है और एच आई आप सभी को पता है एच चार कारणों से फैलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन हाउ मनी क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं तो ऑप्शन ए है फोर्टी ऑप्शन बी फोर्टी टू ऑप्शन सी ट्वेंटी थ्री ऑप्शन डी 46. तो करेक्ट आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर डी टोटल काउंट होते हैं टोटल काउंट्स एंड ट्वेंटी थ्री पेयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अमोंग डज नॉट चेंज इन द केस ऑफ अक्यूट रेंटल फेलियर इनमें से कौन सा प्रतिरक्षी एक्यूट रेंटल फेलियर के मामले में नहीं बदलता है तो ऑप्शन ए है वेनकोमाइसिन ऑप्शन बी है सेफ ऑप्शन सी एमिकासिन ऑप्शन डी क्लोट्री मैचुअल तो करेक्ट आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर डी क्लोट्री मैचुअल नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सर्व सेवर, सेवरल प्रेक्स क्लिम पीसा साइन आर ऑल एक्सपेक्ट्स गंभीर क्लेम पीसा लक्षण सभी को छोड़कर हैं इनमें से कौन से को छोड़कर है एक अकेला है तो सेवरल हेडेक ऑप्शन बी है एपिगैस्ट्रिक पेन ऑप्शन सी है बी जो हाई है वन फोर्टी नाइनटी ऑप्शन डी फीवर तो करेक्ट आंसर अपना होगा फीवर फीवर को छोड़ कर सभी लक्षण गंभीर प्लेसिमिसिया का है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली मेड बाय होम दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया तो ऑप्शन ए है अकबर ऑप्शन बी जहांगीर ऑप्शन सी शाहजहाँ ऑप्शन डी सिकंदर तो करेक्ट आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर सी रेड फोर्ट है जो दिल्ली का रेड फोर्ट वह शाहजहां के द्वारा अपनाया गया है नेक्स्ट अपना है नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं आप व्हाट इज सब्सटेंट यूज इन ब्लड प्रोडक्ट्स विच इज इंक्रीज द नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज सब्सटेंट प्ले रोल इन ब्लड कोगुलेशन रक्त उत्पादों में प्रयुक्त पदार्थ क्या है जो हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ाता है रक्त स्कंदन में किस पदार्थ की भूमिका होती है तो ऑप्शन ए है सोडियम ऑप्शन बी पोटेशियम ऑप्शन सी कैल्शियम ऑप्शन डी एम जी तो करेक्ट आंसर अपना होने वाला है उसका ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सेवेंथ क्वेश्चन यीस्ट इज रिलेटेड खमीर किस से संबंधित तो है तो ऑप्शन ए है बैक्टीरिया ऑप्शन बी प्रोटोजो ऑप्शन सी फंगई ऑप्शन डी वायरस तो करेक्ट आंसर अपना होगा फंगई यीस्ट फंगई से रिलेटेड है नेक्स्ट अपना है एथ क्वेश्चन ए बी जी इज कलेक्टेड फ्रॉम बीस वेसल्स एबीजी को किन वेसल से एकत्रित कि, किया जाता है ऑप्शन तो ए है आर्टरी ऑप्शन बी वैन ऑप्शन सी कैपिलर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ तेन तो करेक्ट आंसर अपना होने वाला है आर्टरी ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज नॉट सीन इन डायबिटिक कैटो एसिडिस डायबिटिक कैटोसिडोसिस में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं दिखाई देता है तो ऑप्शन ए है हाइपरग्ले ब्लड शुगर लेवल मोर देन 150 फिफ्टी डीएल ऑप्शन बी है लो एन एन गैप ऑप्शन सी है लो बैक्रोबोनेट ऑप्शन डी है फ्रूटी ओडोर ब्रीथ तो करेक्ट आंसर अपना होने वाला है ऑप्शन नंबर बी लो एन एन गैप नेक्स्ट है अपना डेंगू डिजीज इज कॉज बाई डेंगू रोग किसके द्वारा फैलता है ऑप्शन ए है बैक्टीरिया ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी फंगई ऑप्शन डी वायरस तो करेक्ट आंसर अपना होने वाला है ऑप्शन नंबर डी वायरस नेक्स्ट अपना है इलेवंथ। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चोइस फो ऑर्गेनोफोजोरिस पोजिशनिंग पॉइजनिंग सॉरी ऑर्गेनोफॉस्फोरस विषाक्तता के लिए कौन सी दवाई है कौन सी दवाई काम में ली जाती है तो ऑप्शन ए है फ्लोमेजोनील ऑप्शन बी है एट्रोपाइन ऑप्शन सी एड्रेनालिन ऑप्शन डी फेंटानाइल तो करेक्ट आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर बी एट्रोपाइन नेक्स्ट अपना है ट्वेल्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए एनाल्जेसिक ड्रग निम्नलिखित में से कौन सी दवा दर्द नवारक दवा नहीं है तो ऑप्शन ए है अपना एसिटोमिनोफिन ऑप्शन नंबर बी है फेनाटिनल ऑप्शन सी है प्रोपोफोल ऑप्शन डी है टोरोल तो एक तो करेक्ट आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोपोफोल नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ऑक्सीटोसिन नोटकोसिस ऑक्सीटोसिन का कारण क्या नहीं है तो ऑप्शन ए है लैक्टोजेनेसिस ऑप्शन बी है मिल्क इजेक्शन ऑप्शन सी ट्राइन कॉन्स्ट्रक्शन ऑप्शन डी ब्रेस्ट माइफेनल कॉन्ट्रक्शन तो करेक्ट आंसर अपना होगा लेक्टोजेसिस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट अपना है फोर्टीन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूड इज नॉट यूज इन फ्लूड रेस्ट्रक्शन दर पुनर्जीवन में निम्नलिखित में से कौन सा दर का उपयोग नहीं किया जाता है तो ऑप्शन ए है डी एन एस ऑप्शन बी आर एल ऑप्शन सी परसेंटेज एनएस ऑप्शन डी एल्ब्यूमिन तो करेक्ट आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर ए सॉरी डीएनएस नहीं परसेंटेज एनएस तो दोस्तों ये परसेंटेज एनएस नहीं है इसका है आर एन एस ये कुछ टाइपिंग में एरर है इसका आंसर होगा आर एन एस नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फिफ्टीन इफ द हंड्रेड एम एल ऑफ एडिन इज वन रेशियो थाउजेंड रेशन फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ एडिन यदि हंड्रेड मिलीग्राम एडिन का अनुपात एक अनुपात हजार है तो एडिन की मात्रा ज्ञात कीजिए तो ऑप्शन ए है एक ग्राम ऑप्शन बी फाइव ग्राम ऑप्शन सी जीरो पॉइंट वन ग्राम ऑप्शन डी जीरो पॉइंट फाइव ग्राम तो करेक्ट आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर ए वन ग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एमोबलाइज पेशेंट इज रिस्क फोर स्थिर रोगी के लिए जोखिम क्या है तो ऑप्शन ए है डी ऑप्शन बी है हाइपो क्लेसिमिया ऑप्शन सी है हाइपर ऑप्शन डी है तो करेक्ट आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर ए डी नेक्स्ट सेवनटीन क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स हैज मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलोरीज निम्नलिखित में से किस पोषक तत्वों में कैलोरी की अधिकतम मात्रा होती है तो ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन बी प्रोटीन ऑप्शन सी विटामिन ऑप्शन डी लिपिड तो करेक्ट आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर डी लिपिड नेक्स्ट अपना है कंजेक्टिविटीज इज ए डिसऑर्डर ऑफ नेत्र विकार है कहाँ का तो ऑप्शन ए है आई ऑप्शन बी ईयर ऑप्शन सी ब्रेन ऑप्शन डी किडनी तो करेक्ट आंसर अपना होगा आई नेत्र आई से रिलेटेड एक डिजीज है नेक्स्ट अपना है नाइनटीन क्वेश्चन मेमोरी स्टोर्ड इन मेमोरी को स्टोर किया जाता है ऑप्शन ए है ब्रेन में ऑप्शन बी किडनी में ऑप्शन सी लीवर में ऑप्शन डी हार्ट में तो करेक्ट आंसर अपना होगा जो मेमोरी है उसको ब्रेन में ही सेव किया जा सकता है नेक्स्ट है अपना ट्वेंटी क्वेश्चन विच वन इज नॉट डाइग्नोस्ट प्रोसीजर कौन सी एक नैदानिक प्रक्रिया नहीं है ऑप्शन तो ए है प्रोनोकोसोपी स्कोपी ऑप्शन बी है लेप्रोस्कोपी ऑप्शन सी एक्स रे ऑप्शन डी है टीबी स्टीमिस तो करेक्ट आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर डी टीबी स्टीमिस तो दोस्तों ये थे आज के लिए अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एस के लिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग